जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। मध्यकालीन भारत में शहर की शासकों की राजधानी रहा जौनपुर। वाराणसी से 58 किलोमीटर और इलाहाबाद से 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। मध्यकालीन भारत में जौनपुर सल्तनत 1394 और 1479 के बीच उत्तरी भारत का एक स्वतंत्र राज्य था। वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश इस जौनपुर सल्तनत के अंतर्गत आता था, जिस पर सर की शासक जौनपुर से शासन करते थे। यहाँ की मुख्य भाषा अवधी है। ज्यादातर जनसंख्या के द्वारा अवधी भाषा ही प्रयोग में आज भी लाई जाती है। कुतुबशाही किला गोमती के बाएं किनारे पर शहर के दिल में स्थित है, यानी कि शहर के बीचों बीच। शाही किला फिरोज शाह ने 1362 ईस्वी में बनाया था और इस किले के भीतरी गेट की ऊंचाई 26.5 फुट और चौड़ाई 16 फुट है। केंद्रीय फाटक 36 फुट ऊंचा है, जिसके एक शीर्ष पर एक विशाल गुंबद है। गोमती पुल के उत्तरी किनारे के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण या पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, जहां किरार कोट का आधिपत्य था, वहीं पर किया है। स्थापत्य की दृष्टि से यह चतुर्भुजी है तथा चारों ओर पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। यह एक मस्जिद है जिसे इब्राहिम नए बारात, जो कि फिरोज शाह तुगलक का भाई था, के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। 130 फीट लंबी एवं 22 फीट चौड़ी मस्जिद, जिसका निर्माण हिंदू कालीन पाषाण स्तंभों द्वारा कराया गया है। इसके मुख्य द्वार पर अभिलेख युक्त पाषाण स्तंभ रखा गया है, जिसकी तिथि 1766 ईस्वी बताई जाती है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार पोर्ट सलीम में निर्मित है, जो कि बनावटी टीले को काटकर एक संकीर्ण रास्ते के द्वारा बनाया गया है, और किले का पूर्वी द्वार निकले हुए छज्जे के आकार का है। मुनीम खान ने बाहर एक कोट का निर्माण भी कराया था, जिसमें सुंदर एवं मजबूत पत्थर के द्वार रखे हुए द्वार बने हुए हैं। उनमें एक द्वार मुख्य रूप से सुरक्षा की दृष्टि से ही बनाया गया होगा। ये इमारत जो आप देख रहे हैं, इसको बरादरी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर प्रवेश करना अब निषिद्ध है। प्रवेश द्वार पर एक ताला लगा आपको मिलेगा, आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये मैं आइए आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत है। ये दीवारें बहुत कुछ कहती हैं। शाम होती है तो आज भी युवा यहां पर अटखेलियां करने चले आते हैं। कहते हैं कभी कि
यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता था, यहाँ की चार दीवारी से। आज भी ऐसा ही नजारा आपको देखने को मिल जाएगा। किले की ऊंची दीवारों से आपको सारा शहर यूं ही दिखाई देता है। ये दरख्त जो आप देख रहे हैं, ये अपनी कहानियां स्वयं कहते हैं। किले की दीवारों से आपको शाही पुल भी दिखाई देगा, ऐतिहासिक शाही पुल, जिसका अपना एक अलग इतिहास है और जो आज भी शान से पूरे शहर का बोझ उठा रहा है और शहर के दोनों किनारों को आपस में मिला रहा है। शाही पुल, शाही किला आज भी जौनपुर की शान है। जो जौनपुर जानना चाहता है वो शाही किले में जरूर आता है। ये इमारत तुर्की अपनी एक नकल है। यह प्रतीत होता है कि ये इमारत सामूहिक स्नान के लिए बनाई गई एक इमारत है, जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग स्नान कर सकते थे। इस इमारत के अंदर अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। दीवारें इमारत की कहानी आज भी कहती हैं, इतिहास को आज भी जिंदा रखती हैं। तुर्की हमाम, अंदर जाने पर आपको दीवारों में कुछ ताखे बनी हुई दिखाई देंगे। छत पर एक रोशनदान मिलेगा जहां से रोशनी अंदर आ सकती है, लेकिन बरसात के समय पानी अंदर नहीं आता है। बहुत ही भव्यता से तराशे गए पत्थर के बने हुए आपको मेहराब यहां पर दिखाई देंगे। काफी चीजें यहाँ पर बहुत ही रहस्यमय प्रतीत होती हैं, जो कि बिना किसी गाइड के आप नहीं समझ सकते। फिर भी ये चीजें आपको रोमांचित जरूर करेंगी। जौनपुर जो कभी सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था, शाही किला उसकी शान में एक है और ये आज भी सिराजे हिंद की शान को बढ़ा रहा है। जो जौनपुर आता है वो शाही किले के अंदर ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मैं हूं ज्ञान प्रकाश और आप भ्रमण कर रहे थे आज जौनपुर के शाही किले का। जौनपुर के इतिहास के बारे में आपने देखा।